सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ आर सीरीज। और आज के वीडियो में जो है हम लोग सीखने वाले रहेंगे कि आप कैसे जो है अकाउंट क्रिएट करोगे फाइवर पे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देख लेते हैं। तो यार अभी आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इन का बटन भी है, बिकम अ सेलर का बटन भी है, लेकिन हमें बिकम अ सेलर पे ही क्लिक करना है, साइन इन पे नहीं करना है क्योंकि हमारा वही मकसद है, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू विद गूगल या फिर ईमेल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जो है गूगल से कर रही हूँ कंटिन्यू क्योंकि मेरी ईमेल ऑलरेडी लॉग इन है, पर आप जो है ईमेल भी डाल के कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है आपको चूज अ यूज़र नेम बोलेगा यार वो, कि यूज़र नेम आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं आपको ये राय मशवरा देना चाहूँगी कि आप जो है अपना नाम लिखो और उसके बाद आप जो आप जैसे कि डेवलपर, ठीक है, तो श्रुति डेवलपर, वेब डेवलपर ऐसे कुछ तो भी लिख सकते हो। कुछ नेम्स होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, उस किसी ने पहले से उसको ले रखा है, ठीक है। तो आप जो है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर वंबर डाल करके एडजस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। और एक बढ़िया सा नाम डालने के बाद आपको जो है क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अभी हाल फिलहाल के लिए क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर आयुषी नाम से बना रही हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया है आयुषी डिज़ाइनर नाम से भी अवेलेबल है और आयुषी कैनवा नाम से भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कैनवा के लिए एक अकाउंट बना रहे हैं डेडिकेटेड फॉर कैनवा, तो हम वहाँ पर यही लिख देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो, तो यहाँ पर जैसे वो पूछ रहा है कि आप जो है बाय करना चाहते हो कि सेल करना चाहते हो सर्विसेज, तो ऑब्वियसली हम सेल करना चाहते हैं, बाय नहीं करना चाहते हैं, तो हम सेलिंग पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साइड हसल, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी, क्या हो आप, तो आप एजेंसी हो तो फिर एजेंसी पे, पर हम सोलो फ्रीलांसर हैं तो सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट ऑप्शंस आएंगे, याद रखना यार ये सब आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। इसके अलावा हमारे पास तीन स्टेप्स रहेंगे अब इसके बाद। पहला रहेगा कि हमें हमारा सेलर प्रोफाइल कंप्लीट करना है, दूसरा हमें गिग बनानी है और तीसरा जो है हमें सेल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पर अब जो है आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आप नए पेज पर आ जाओगे, ठीक है। तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वो भी दिख रही होगी, आप यहाँ से प्रोफाइल पर जा सकते हो अपनी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप प्रोफाइल जाओगे तो आपको मेन अपनी प्रोफाइल दिखने लगेगी। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी प्रोफाइल है। आप अपना डिस्प्ले नेम जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हो, यहाँ पे आयुषी लिखा हुआ है तो हम ये जो है सेव कर लेते हैं, या फिर आपको कोई और नाम रखना हो तो आप वो भी रख सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो आपका यूजर नेम जो है @आयुषी कैनवा आ रहा है, ठीक है। एक चीज मैं बता दे रही हूँ यार, अगर आप में से किसी ने भी मैसेज किया इस प्रोफाइल पर तो हो सकता है आप पे एक्शन लिया जाए थोड़ा स्ट्रॉन्ग। द रीजन इज कि ये अकाउंट आप चीज मतलब ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए बताई जा रही हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम है हम, इसके अलावा हमारा कम्युनिटी सेक्शन भी है। तो आप किसी प्रोफेशनल प्रोफाइल पर जाकर के अगर क्वेश्चंस पूछते हो और आप ऑर्डर नहीं देते हो तो क्या होगा, फाइवर को क्या लगेगा कि भाई ये लोग आ रहे हैं इतने सारे इस प्रोफाइल पर लेकिन कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, इसका मतलब इनकी गिग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डाउन इंप्रेशन कर देता है। तो इस कारण प्रोफाइल पे इफेक्ट आता है। इसके कारण मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी जो है थोड़ी दिक्कत में आ चुका था, काफ़ी रिस्पॉन्स रेट भी गिर गया था। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके कारण किसी को ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा अगर मैं रिपोर्ट कर दूंगी आपका अकाउंट या मेरी टीम में से अगर कोई इसको यूज़ करेगा अकाउंट को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर वो यूज़ करेगा और वो आपके अकाउंट मतलब आपको आपका अकाउंट अगर रिपोर्ट कर देंगे तो फिर आप तुरंत ही बैन हो जाओगे और आप किसी भी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर ऐसे नहीं करना है, स्पैम वाला काम नहीं करना है, और कोई मना कर रहा है तो उसको सुनना है, ठीक है। अभी चलते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हो हमारी प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक है, सिंपल सादी सी पड़ी हुई है। प्रोफाइल पिक की बात कर लेते हैं यार, प्रोफाइल पिक के कुछ रूल्स हैं साधारण से, वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर वन इस कि आपका पोर्ट्रेट में होना चाहिए, जितना मेरा भी इतना आ रहा है ना इतने में। दूसरी चीज़ पीछे इतना ये सब तामझाम है ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन बैकग्राउंड रखो, प्लेन थोड़ा बहुत ऐसे डिज़ाइन रख सकते हो पर ऐसे प्लेन बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल से लगेगा। इसके अलावा आपका चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है, बस तीन चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। प्रोफेशनल मतलब ये नहीं है कि कोट वोट पहन के आना है या कुछ ऐसे, सिंपल फोटो हो सकती है, पर आपका चेहरा दिखना चाहिए और बैकग्राउंड साफ सुथरा होना चाहिए। कुल मिला के आपकी इमेज जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इंसान है, ठीक है, वो थोड़ा सा वैलिडेशन देता है और कुछ नहीं। इसके अलावा हमारी इमेज की हमने बात कर ली है, अभी यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इसके अलावा लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। तो अभी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है एक बढ़िया सा, यहाँ पर मैं टाइप कर दे रही हूँ कि मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन अभी मैं डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखोगे उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहली चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन लिखने में वो ये है कि आपको याद रखना है आप क्या हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए बोलने के लिए बोल देती हूँ कि आई एम अ वेब डेवलपर। कब से हो, कितने साल से कर रहे हो, ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आपने कहाँ से किया हुआ है वो बता दो, ठीक है, और सामने वाले को आप कैसे हेल्प कर सकते हो वो बता दो, दैट्स इट, इतना ही डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इनको थोड़ा अच्छे से फ्रेम करना है इन सेंटेंसेस को और उसके बाद लिख देना है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है। यहाँ पर भी जो है मैं फटाफट से कोई भी एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ और आप लोगों को कॉपी नहीं करना है,
कॉपी करोगे तो आपकी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर वो रैंक वैंक नहीं होता, एक जैसी 10 चीज़ें आ जाएंगी तो क्या होता है फिर, ऐसे नहीं होता, वरना आपको ही प्रॉब्लम जाएगी, फिर मुझसे मत बोलना कि ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया है, अब हम जो है अपडेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है मैंने अपडेट पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारा वो जो है अपडेट हो चुका है दोस्तों। अब जो है हम लैंग्वेजेस ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैं लैंग्वेजेस ऐड कर रही हूँ जो हमारी फ्लुएंट है, इंग्लिश ऑब्वियसली फ्लुएंट ही होनी चाहिए, और इसके अलावा हिंदी में डाल दूंगी, हिंदी मेरी जो नेटिव है वो लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा भी और आप जो लैंग्वेजेस, अगर आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, तो उसको ऐड करो, थोड़ा और वैलिडेशन बनता है। इसके अलावा लिंक्ड अकाउंट्स का आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, तो लिंक्स अकाउंट में क्या है यार, आप फेसबुक कनेक्ट कर सकते हो, गूगल हमने ऑलरेडी कर रखा है, और आपके पास जो है और कोई अकाउंट हो तो वो भी कर सकते हो, पर अभी वो बेचारा फेसबुक का बोल रहा है, तो मेरे पास तो नहीं है फेसबुक का अकाउंट तो इस वाले के लिए, तो फिर मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा इतना काम हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने जो अकाउंट वाली जो मेन चीज़ें थी वो कर ली हैं, अभी बाकी की जो सेटिंग्स करनी है हमें, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गिग के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई हैं, तो वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।